Hello, good morning dear student. This is your chapter number 1, Natural and Human Environment. Today we are going to discuss about the next subtopic, which is soil degradation. Soil degradation kya hai? Soil. Do you know soil? Soil is very important for us. Soil to bahut hi zyada important hai hamare liye. To ये जो सॉइल जो सोर्स है, ठीक है, इस सॉइल जो सोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप लोग को दे दे जान रहे होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है, हम लोग रहते हैं इस पर, प्लांट्स भी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब भी रहते हैं, और सॉइल का हम लोग लैंड का कितना यूज़ कर रहे हैं जगह जगह पर. ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है. जब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड यूज़ किया जाएगा तो उसका डिग्रेड भी होगा. तो ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है कि ये जो सॉइल डिग्रेडेशन है, तो सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे कि सॉइल डिग्रेडेशन है क्या, इसके फैक्टर्स, इसका रीज़न, इसके कॉजेस क्या क्या हैं जिसकी वजह से ये सॉइल डिग्रेडेशन होता है. ठीक है, सो हेयर इज द डेफिनेशन. सॉइल डिग्रेडेशन इज द डिक्लाइन इन सोशल कंडीशन कॉज्ड बाय इट्स इम्प्रॉपर यूज और पुअर मैनेजमेंट. ठीक है, क्या कॉज है, क्या रीज़न है कि सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है. सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो पूरा मतलब कि इम्प्रॉपर यूज़ है मिट्टी का, जो लैंड का इम्प्रॉपर यूज़ है, या बिना किसी मैनेजमेंट के साथ जो यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है. अब यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए यूज़ हो रहा है. इसके अलावा हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़र्स के लिए यूज़ कर रहे हैं लैंड को, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं. ठीक है, तो इसके अलावा बहुत ही वेरियस पर्पज से हम लोग लैंड का यूज़ करते हैं. तो कम ऑन डेफिनेशन, द सॉइल डिग्रेडेशन इज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिक्लाइन. मीन्स कि फिजिकली तरीके से, केमिकली तरीके से एंड बायोलॉजिकली तरीके से जो सॉइल की क्वालिटी है उसको डिक्लाइन जो हो रहा है उसे कहते हैं हम सॉइल डिग्रेडेशन. ठीक है, अब सॉइल पॉल्यूशन आप सब लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सॉइल पॉल्यूशन. ठीक है, तो वेरियस रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है, सॉइल की क्वालिटी डिक्लाइन होती जा रही है. तो और उसकी वजह जैसे कि केमिकली, उसमें केमिकली चेंज होता है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है या सीवेज होता है, जो जिस रूट के थ्रू वो सीवेजिंग होता है, तो वहाँ की सॉइल भी, उसकी क्वालिटी डिक्लाइन होती है. ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये सॉइल की क्वालिटी डिक्लाइन होती है. ठीक है, इट कैन बी लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, अब डिक्लाइन हो रही है तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर्स का, सॉइल फर्टिलिटीज़ का, उसके स्ट्रक्चरल कंडीशंस का. साथ ही साथ इसके साथ हम लोग जब अपने यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ को सेटअप करने के लिए जब हम लैंड की हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम लोग डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, पेड़ों को भी काट रहे हैं. ठीक है, उस एरिया को साफ कर दे रहे हैं बिल्कुल. तो फिर अब जब पेड़ काट रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनिमल्स, जानवर, क्योंकि वो तो उनका रेजिडेंशियल प्लेस है, तो एनिमल्स का रेजिडेंशियल प्लेस भी कम हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एनवायरमेंट है वो डिसबैलेंस हो रहा है. ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू है. ठीक है, तो इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है. सो कम ऑन दे, और इसमें सॉइल डिग्रेडेशन में और क्या फैक्टर इन्वॉल्व है उसको जानते हैं. इन हेयर सॉइल डिग्रेडेशन कैन इन्वॉल्व जैसे कि वाटर इरोजन. ठीक है, वाटर इरोजन इट मीन्स इंक्लूड इसमें सीड्स, रील एंड गुली इरोजन जो होता है, पानी की थ्रू जो इरोड होता है, तो जो वाटर बहुत ही स्पीड में आता है और वहाँ पर हमारे ट्रीज नहीं लगे हुए हैं. ठीक है, जब तक कोई भी मतलब कि ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा, तो पानी जो वाटर है वो स्मूथली बहेगा, और तो वो अपने साथ में जो सॉइल ऊपर का जो लेयर होता है लैंड का, उसकी फर्टिलिटी को अपने साथ में ही बहा कर ले जा रहा है. ठीक है, विंड इरोजन, तो हवा चलती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आपकी आंखों में धूल जाती होगी, तो मिट्टी जो है ना, छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स, तो ये भी इरोड हो रहा है, तो विंड के थ्रू भी इरोजन होता है, तो सॉइल डिग्रेडेशन इस थ्रू भी होता है. ठीक है, सैलिनिटी इनक्लोज ड्राई लैंड इरीगेशन एंड अर्बन सैलिनिटी नेस्ट लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, फोर्थ फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है. फिफ्थ सॉइल एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी. सेवन्थ
स्ट्रक्चर डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा मास मूवमेंट्स हो रहे हैं एंड सॉइल कंटेमिनेशंस इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिस केमिकल्स एंड पॉल्यूटेंट. ओके, डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.